वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल APS Tech। तो गाइस आज मैं आपको दिखाऊंगा जीप कंपास लिमिटेड का इंटीरियर रिव्यू। तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और कार वीडियोस के लिए। तो दोस्तों बेल आइकन भी दबा देना एक बार सब्सक्राइब करके। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो को शुरू करें बिना किसी टाइम वेस्ट करे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें तो ये ऑटोमेटिक है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं PR&D इसमें लिखा आपको मिलेगा। और स्टीयरिंग का मैं आपको एक रिव्यू दे दूं पहले दोस्तों। स्टीयरिंग में यहाँ पे आपको ओके का बटन मिलेगा, यहाँ पे आप को यहाँ पे कॉल एंड और कॉल आप पिकअप करने का बटन मिलता है दोस्तों। और स्टीयरिंग के पीछे इस साइड भी पीछे ऐसे अगर आप हाथ करें तो यहाँ पर भी बटन है कुछ। और दोस्तों आप बात करते हैं इसके यहाँ पे साइड पे, तो जैसे नॉर्मल कार्स में आता है इसके इंडिकेटर्स दोस्तों देख सकते हैं आप। और यहाँ पर वाइपर के कंट्रोल्स नॉर्मल कार्स की तरह। तो दोस्तों नॉर्मल कार्स में इंडिकेटर यहाँ पे होता है और वो उधर होता है वाइपर, इसमें उल्टा है लेकिन। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखा दूँ मैं, यहाँ पे आपको मिरर के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। और मैंने बटन दबाया और दोस्तों वो खुल गया, देखो दोनों मिरर साइड मिरर खुल गए। और वापस आप बटन दबाए तो ये अच्छे से बंद हो जाएंगे दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं। और जैसा कि आपने देख ही लिया होगा ये बंद भी हो गए हैं। और आपको मैं दिखाता हूँ इसका डेक जो है स्टीरियो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं डेक या स्टीरियो आप जो भी कह लें। स्टीरियो मैं आपको एक बार दिखा दूँ दोस्तों, फुली टच स्टीरियो है। और यहाँ पर आपको तो दोस्तों इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है दोस्तों। इसका AC एयर कंडीशनर जो है वो इसके अंदर से ही चलता है, इनबिल्ट एयर कंडीशनर डेक के अंदर है दोस्तों, स्टीरियो के अंदर, जो कि ज़्यादा गाड़ियों में आपको नहीं देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, सिंक का बटन दबा के आप दोनों क्लाइमेट्स को एक साथ जैसे कर सकते हैं। यहाँ अगर आपको एक बंदे का ऐसा 17 रखना है, एक बंदे का 20 रखना है तो वो भी कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ से आप रेडियो चला सकते हैं, मीडिया एप्स फ़ोन। तो दोस्तों इसमें नेविगेशन भी है, सेटिंग्स भी आप जाएँ यहाँ से तो लैंग्वेज डिस्प्ले यूनिट्स अपनी तरफ से सेट कर सकते हैं। ये देखिए इसमें कंपास मिलता है आपको, एप्स इसमें क्या है दोस्तों, ये फ़ोन कनेक्ट करके आप गाने वाने यहाँ से चला सकते हैं दोस्तों। नेविगेशन और ब्लूटूथ ही मेन है दोस्तों, और कुछ खास नहीं है इसमें। और एक सबसे अच्छी बात है कि एयर कंडीशनर इसमें से चलता है, जो कि एक नई चीज़ है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 12 वॉट का चार्जर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको चार्जर के साथ ही USB पोर्ट मिलेगा दोस्तों, और ऑक्स का पोर्ट, ऑक्स को यूज़ नहीं करता आजकल दोस्तों। यहाँ पे पीछे अच्छी सी लाइट जल रही है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लाइट्स की ऑप्शन देखने को मिल जाती है, और लाइट्स आप ऑटो ऑफ पे सेट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से देखिए ये ऑन हो गई, ये ऑन हो गई, और ये अगर गाड़ी वो खुलने पे है ऑफ ऑन, देखिए दोस्तों दोनों भी साथ में ऑन हो जाती है। और यहाँ पे आपको माइक देखने को मिल जाता है जिससे आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं दोस्तों। और एयरबैग आपको यहाँ पे वार्निंग दी गई है, ये ऐसे खुल सकता है दोस्तों सनशेड। और यहाँ पे भी आपको मिरर देखने को मिल जाता है ऐसे खोल के आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये मिल जाते हैं। और दोस्तों ड्राइवर साइड पे पता नहीं क्यों दिया है, ये देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल ड्राइवर साइड है 100%। और यहाँ पर ये पता नहीं क्यों दिया है दोस्तों, क्या करेंगे ऐसे, गाड़ी कौन चलाएगा ऐसे हाथ पकड़ के। आपको दिखाऊँ तो आपको ऑटो डिमिंग नहीं मिलता है, अगर आपको कोई खींच खींच के डिपर मारेगा तेज़ी से और आपकी आँखों में रहेंगे तो आपको हाथ से ही मैनुअल एडजस्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाएगा जो कि आपको ब्रेक प्रेस करके, ऑब्वियसली आपको पता ही है ब्रेक प्रेस करके ऑन होती है दोस्तों। यहाँ पर आपको इसका स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है, और देखिए दोस्तों ऐसे ऑन होती है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ऑन होते हुए। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें लाइट्स भी जल रही है, प्रेस ब्रेक पेडल एंड पुश बटन टू स्टार्ट। एंड देख सकते हैं आप यहाँ पे आपको सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं नॉर्मल और कार्स की तरह, ये भी यहाँ पर आपको तो लाइट्स के बटन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आप लाइट कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से ऑन ऑफ, ये देखिए दोस्तों यहाँ से। और ये ऑटो पे भी रख सकते हैं आप। और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एयर कंडीशनर देखने को मिल जाएंगे, और दिखा दूँ मैं आपको इसके ये, और काफ़ी डिज़ाइनर है दोस्तों डैशबोर्ड काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इस स्टीरियो के नीचे बिल्कुल तो आपको यहाँ पर हैजर्ड्स का बटन मिल जाएगा, और म्यूट स्क्रीन ऑफ, स्क्रीन ऑफ दबा के देखते हैं क्या होता है। स्क्रीन ऑफ हो गई दोस्तों, टैप स्क्रीन टू टर्न ऑन, ऐसे टैप करें तो ऑन हो जाएगी दोस्तों। और यहाँ पर आपको एयर कंडीशनर के भी AC के भी कंट्रोल्स मिल जाएंगे, और ये वॉल्यूम बटन, और यहाँ पे आपको सिंपल सा यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो कि बाकी गाड़ियों में होता है। और यहाँ पर आपको बॉटल स्पेस, बॉटल रखने की जगह, और
ये हैंडरेस्ट के साथ, इसमें लेदर फिनिश है, आप देख सकते हैं रेड कलर की लाइनिंग है, ऐसे हाथ रख सकते हैं आप, और ये ऐसे ऐसे दबा के आप खोलें तो यहाँ पर छोटी सी फ़ोन वोन रखने की जगह आपको मिल जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर आपको भी बॉटल स्पेस है अगेन, और यहाँ पर भी छोटी सी जगह है कुछ रखने की, यहाँ से आप गाड़ी लॉक कर सकते हैं दोस्तों। और तो दोस्तों साइड से बात करें तो वहीं पे आपको ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल आपको ये स्टील के इसके हैंडल्स मिल जाएंगे डोर ओपन करने के लिए, जो कि काफ़ी यूनिक बात है अगेन। तो दोस्तों ऐसे वैसे तो प्लास्टिक के होते हैं, लेकिन इसमें ऐसे स्टील के हैं, और वहाँ पर आपको नॉर्मल आपको दोस्तों पैसेंजर साइड पे भी लॉक अनलॉक का बटन मिल जाएगा गाड़ी का, ये देखिए दोस्तों आप दिख रहा है। और इसके पीछे से आपको मैं आप एक बार दिखाऊं तो दोस्तों चारों विंडोज आई थिंक ऑटो हैं, और यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों पीछे की सीट्स, दोस्तों पीछे का सीट पर बैठा था मैं, काफ़ी नरम है और काफ़ी अच्छी है पीछे की सीट्स। और यहाँ पे आपको हैंडरेस्ट देखने को मिल जाता है दोस्तों, यहाँ पर अभी पॉलीथीन लगे अभी उतारे नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक देखने को मिल जाएगी पी, और पार्क इसका मतलब होता है, और ट्रैक्शन कंट्रोल का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको इसका फुल रिव्यू चाहिए बाहर से, ये तो था इंटीरियर रिव्यू दोस्तों इसका, तो इंटीरियर तो दोस्तों अगर आप क्रेटा और जीप कंपस में से देख रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली जीप कंपस के लिए जाना चाहिए अगर आपका बजट है। तो दोस्तों इसका फुल रिव्यू अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। दोस्तों इसमें एयरबैग्स भी है देखिए दोस्तों, एक इस साइड एक इस साइड। तो दोस्तों फुल रिव्यू चाहिए तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, आपको एक बार मैं हॉर्न भी सुना देता हूँ। तो दोस्तों जल्द ही आ जाएगा इसका फुल रिव्यू बाहर का, मतलब एक्सटीरियर रिव्यू आपको जल्द ही मिल जाएगा दोस्तों। ये थी जीप कंपास लिमिटेड, होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, कंटेंट पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, अगर गाड़ी अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों इस वीडियो का एम है 200 लाइक्स, जल्दी से कंप्लीट करो 200 लाइक्स, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों देखिए दोस्तों ये बीप बज रही है, इसमें जब तक बजती रहेगी जब तक आप व्हीकल को यहाँ से बटन नहीं करेंगे, देखिए दोस्तों बंद हो गई, और तो दोस्तों ख़त्म, बंद हो गई।